इस वक्त की उन्नाव से बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी घोषित होने पर हंगामा। भगवंत नगर सीट पर प्रत्याशी अंकित परिहार का भारी विरोध, सपा कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। अंकित परिहार, अन्नू टंडन के खिलाफ लगाए गए नारे, सपा जिला सचिव के नेतृत्व में हुई जमकर नारेबाजी। टिकट न बदला तो अखिलेश यादव से मिलेंगे कार्यकर्ता। बता दें इस वक्त की उन्नाव से बड़ी खबर, जहां सपा प्रत्याशी के घोषित होने पर हंगामा हो गया है। भगवंत नगर सीट पर प्रत्याशी अंकित परिहार का भारी विरोध किया गया है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका है। बता दें अंकित परिहार, अन्नू टंडन के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। सपा जिला सचिव के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है टिकट न बदला गया तो अखिलेश यादव से मुलाकात की जाएगी। ऐसा है, भगवान नगर विधानसभा की कमेटी संगठन का काम हम लोगों ने किया है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हम लोग सब मिलके। जो ये प्रत्याशी आया है, इसको न बूथ के अध्यक्ष को पता है कौन है, न सेक्टर प्रभारी को पता कौन है, न विधानसभा अध्यक्ष तक के घर तक की रास्ता नहीं जानता है कहाँ रहते हैं कौन है। ये नया, पिछली बार एक गठबंधन से प्रत्याशी था, चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता से 5 साल कोई संबंध इसने नहीं रखा। और ये जो तानाशाही अन्नू टंडन ने इसको टिकट दिला के लाई है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर प्रत्याशी ये न बदला गया तो ये समाजवादी पार्टी 4थे नंबर पे भगवान नगर में जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको काले झंडे हम लोग गांव-गांव दिखवाएंगे हर बूथ पे, और इसको अवकाश पता लग जाएगी कि क्या समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस सोच रहे कांग्रेस है, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मान स्वाभिमानी है, यहाँ कार्यकर्ता कोई पैसे का भी काम नहीं है।